नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार आइटम के बारे में, यानी वो आइटम जो अलाउ नहीं है नीट 2019 के एग्जामिनेशन हॉल पर। अगर आप ये आइटम ले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपका जो 2 साल का जो प्रिपरेशन है वह वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कौन कौन से आइटम अलाउ नहीं है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर में आप कौन कौन से चीज़ें ले जा सकते हैं ताकि आपका जो एंट्री का जो प्रोसीजर है, जो सिक्योरिटी चेक है, वो आसानी से कंप्लीट हो जाए और आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम में बैठ सकें और आपका पेपर अच्छे से कम्प्लीट हो। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से ही सब इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। NTA NEET.NIC.IN, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम डाउनलोड कर लेते हैं और बार आइटम जो है वह मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कपड़े अलाउ हैं पहनकर जाने के लिए नीट के एग्जामिनेशन हॉल में। पहले हम देख लेते हैं कि बार आइटम कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें आप चीटिंग कर सकते हैं ऑब्वियसली अलाउ नहीं है। उसके लिए यहाँ पर एक अलग से पेज दिया गया है जो मुझे आपके साथ शेयर कर देना है। बार आइटम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 52 पर दिया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बार आइटम हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, कोई भी स्टेशनरी या कोई भी बुक अलाउ नहीं है। पेपर आपके पास नहीं होने चाहिए, राइटिंग पैड आपके पास नहीं होने चाहिए, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, स्केल, पाउच, पेंसिल बॉक्स, पेन ड्राइव, इरेजर, कुछ भी आपको अलाउ नहीं है नीट के एग्जामिनेशन हॉल में। फिर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ एयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, हेल्थ वेयर, ये सब जो है अलाउ नहीं है। वॉलेट, गोगल, हैंड बैग, बेल्ट, कैप, कुछ भी पहनकर नहीं जाना है। ध्यान रखिए जीन्स भी अलाउ नहीं है नीट 2019 के एग्जामिनेशन में। फिर रिस्ट वॉच आपको नहीं पहनना है, ब्रेसलेट अलाउ नहीं है, ऑर्नामेंट आपको नहीं पहनकर जाना है, कोई भी इटेबल आइटम आपको अलाउ नहीं है। इसके बाद कोई भी दूसरा आइटम जिससे आप चीटिंग कर सकते हैं वह भी अलाउ नहीं है। फिर हम देख लेते हैं ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड काफ़ी सिंपल है, जीन्स आपको नहीं पहनना है, डार्क कपड़े नहीं पहनना है, शूज़ अलाउ नहीं है। यहाँ 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, लाइट कलर कपड़े पहनने हैं, हाफ स्लीप पहनने हैं, सैंडल और स्लीपर आप पहनकर जा सकते हैं। अगर आपको कोई कल्चरल और ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं तो आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में रिपोर्टिंग कर देना है। तो ध्यान रखिए यह सभी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके वजह से आपको फूड या एटेबल आइटम वहाँ पर ले जाने होंगे तो इसको आपको पहले से ही एग्ज़ाम हॉल में इन्फॉर्म कर देना है। फिर क्या है, आपका प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगा, आपको अलाउ कर देंगे एटेबल लाने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको कौन कौन से चीज़ ले जानी है। ये काफ़ी आसान है, आपको एडमिट कार्ड आपको अपने साथ ले जाना है। एडमिट कार्ड में आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए, साथ में आपका भी सिग्नेचर जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने साइन करेंगे। आपको आपके फ़ोटो भी ले जाना है जिसमें आपको स्टिक करना पड़ेगा एडमिट कार्ड में। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी अलाउ होंगे। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेकर जाना है ताकि आप वहाँ अटेंडेंस शीट पर चिपका सकें। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना ना भूलें। धन्यवाद।